तो हाउस ऑफ एम के एपिसोड 2 में हमने देखा कि वुल्वरीन ही अकेला ऐसा नहीं है जिसे इस फेक रियलिटी के बारे में पता है, पर एक छोटी म्यूटेंट जिसका नाम लायला है उसको भी सच पता है, और तो और वो बाकी लोगों को भी इस बारे में याद दिला सकती है। बस छोटी सी दिक्कत ये है कि उसे अपनी पावर्स यूज करना नहीं आता, फिर भी उसकी मदद से लोगन एमा फ्रॉस्ट की यादें वापस लौटा देता है। और जो पहले शब्द एमा फ्रॉस्ट के मुंह से निकलते हैं वो ये थे कि हम मैग्नीटो और उसके बच्चों को मार देंगे, और बाकी की कहानी जानते हैं एपिसोड 3 में। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सरांखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। एमा फ्रॉस्ट लायला के दिमाग में घुसती है उसकी शक्तियों के बारे में जानने के लिए, और उसे पता चलता है कि लायला की पावर्स उन सबसे अलग और स्पेशल है। तो एमा बोलती है कि तुझे मुझ पर भरोसा करना होगा और तुझे जल्दी से जल्दी बड़ा होना होगा। पूरी दुनिया का बुरा हाल हो चुका है एक बददिमाग म्यूटेंट की वजह से, और तुझे ये सब वापस से ठीक करना होगा, पर मैं यहीं तेरे पास रहूंगी। तभी साइक्लॉप्स वापस से घर आ जाता है। एमा लायला को पकड़ के बोलती है, ये है स्कॉट समर्स, अब तू उस पर फोकस कर और अपने दिमाग को मेरे साथ मिला और बस फोकस कर। स्कॉट को भी फाइनली सब कुछ याद आ जाता है, वो पूछता है कि प्रोफेसर कहाँ है, और वुल्वरीन बताता है कि वो कहीं नहीं मिल रहे, सब इधर उधर फैले हुए हैं और हम कुछ ही लोगों को ढूंढ सकते थे। इधर पीटर पार्कर अपने अंकल आंट ग्वेन और उसके बच्चे के साथ घूमने आया हुआ था, उसका मन कहीं ना कहीं तो भटका हुआ सा था लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ था। तभी वो सारे रेबेलियंस उसके सामने आ जाते हैं। एमा देर नहीं लगाती लायला का यूज करने में, और फाइनली पीटर को भी सब कुछ याद आ जाता है, उसके सारे विलेंस जेमिसन और मेरी जेन से उसकी पहली मुलाकात और फिर शादी। पर वो गिरने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि इससे अंकल बेन और ग्वेन की डेथ की यादें भी उसके सामने आ गई थी, पर वो खुद भी उसके सामने खड़े थे। एमा फ्रॉस्ट उसकी फैमिली को माइंड कंट्रोल करके दूर भेज देती है, और पीटर पार्कर छत पे भाग जाता है। साइक्लॉप्स बोलता है कि पीटर से कौन बात करेगा, और वुल्वरीन तैयार हो जाता है जाने को। पीटर रोते हुए बोलता है कि मुझे बता दे लोगन की ये सब कुछ झूठ है, बोल दे कि ये मिस्टीरियो का कोई चलावा है, बोल दे कि ये सब बस मेरे दिमाग में है। बता लोगन कि क्या तेरे साथ भी ये हो रहा है, मेरी यादें, मेरे पास वो यादें हैं जो मैंने कभी नहीं जी, और वो यादें भी जो मैंने जी हैं, मेरा एक बेटा भी है। लोगन बोलता है कि छोड़ इन सब बातों को, हमें और भी बहुत काम करना है। पीटर बोलता है कि तुम्हें सुपर पावर्स मिलेगी, तुम कुछ बुरे लोगों से लड़ोगे, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा था ना कि मुझे ये सब झेलना होगा बार बार हर बार। लोगन बोलता है कि तू अकेला नहीं है जिसके साथ ये सब हुआ है। पीटर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि लोगन मुझे लगता है कि मैं उन्हें मार दूंगा, मैं मैग्नीटो और उसकी पागल बेटी को मार दूंगा, मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। लोगन बोलता है कि ये नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि मैं पहले ही ये सब कर चुका होऊंगा। किटी प्राइड, स्टीफन स्ट्रेंज, कैरल डेनवर्स, टोनी स्टार्क, मैट मर्डॉक, जेनिफर वाल्टर्स, एमा लायला की मदद से सबकी यादें लौटा देती है, सिर्फ कैप्टन अमेरिका को छोड़कर, क्योंकि वो यहाँ पर बस एक बूढ़ा था। एमा फ्रॉस्ट मीटिंग में बोलती है कि मैग्नीटो ने अपनी बेटी का यूज किया अपना सपना पूरा करने में, और उसने चार्ल्स जेवियर को ड्रग दे किया, किसी तरह हमारे दिमाग से भी खिलवाड़ किया और हमारे सपने भी पूरे कर दिए, क्योंकि चार्ल्स जेवियर ही इतना पावरफुल साइकिक है, पर वो भी अभी गायब है। पर हॉकाई को भरोसा नहीं था। एमा उसे समझाती है कि लायला उसकी पुरानी मेमोरीज दे सकती है, लेकिन वो कंफ्यूज था क्योंकि असली दुनिया में वो जिंदा ही नहीं था। पर तभी वहाँ हमला हो जाता है सील्ड एजेंट्स का, दोनों साइड में घमासान लड़ाई होती है, पर जैसे ही लायला पकड़ी जाती है वो दर्द में अपनी पावर्स का यूज करती है, और उन म्यूटेंट सील्ड एजेंट्स की यादें भी वापस आ जाती हैं। वो सब उन लोगों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक कुछ और हो गया था, हॉकाई वहाँ से गायब था। पर एमा फ्रॉस्ट बोलती है कि उसे जाने दो, रोग यहाँ खुद शॉक में थी कि आखिर वो बच्ची है कौन। रोग सारे हीरोज को हेली कैरियर पे ले आती है, जहाँ एमा फ्रॉस्ट अपनी माइंड पावर्स का यूज करके सारे गार्ड्स का दिमाग कंट्रोल कर लेती है, जिनसे उन्हें वो सब दिखाई भी नहीं देते, और वो कमांड डेक पे जाके कैप्टन का माइंड कंट्रोल करके जेनोसा जाने को सेट कर देती है, वही जगह जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। स्कॉट हेली कैरियर में सबसे बोलता है कि मैं बहुत टाइम तक एक्समैन का लीडर था, और मैं अपने सिद्धांतों पर बहुत गर्व करता था, पर आज सब बदल चुका है, आज अगर हम हारे तो सब कुछ खो बैठेंगे, तो मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि तुम सब जो अच्छाई के नाम पर खुद को बांध कर रखते हो, आज वो बंधन तोड़ के लड़ोगे, आज कोई भी पीछे नहीं हटेगा कोई भी कदम उठाने से, किसी भी हाल में हमें जीतना होगा। स्पाइडरमैन बोलता है कि तो क्या हम दुनिया को वापस सही करने वाले हैं, क्या वाकई में हम ये सब कर सकते हैं, या फिर बहुत देर हो चुकी है। मिस मार्वल बोलती है कि क्या हो अगर हम जीत के भी ये ना कर पाए, तो क्या हमें इस झूठ को अकेले जीना होगा या हम बाकियों को भी सच बताएंगे। तभी जेसिका यानी स्पाइडर वुमन बोलती है कि क्या हम खुश नहीं थे, उन्होंने सबको वो दे दिया जो उनका जर्रा जर्रा चाहता था, शायद ये हमारे अच्छे के लिए ही था।
लोगन शांति से बोलता है कि एक दिन जैस तू शर्मिंदा होगी कि तूने ऐसा बोला। जैसिका बोलती है कि अरे सुनो तो, जब इतना बड़ा कुछ होता है तो जरूरी नहीं कि हम हर चीज को बदल दें। जैसे कभी कोई मीटियोर धरती पर गिरता है और पूरी सभ्यता मिट जाती है, तो शायद हमें इसी हसीन झूठ के साथ जीना चाहिए कि जो कुछ होना था हो गया। लोगन बोलता है कि अब दो चीजें हो गई जिसके लिए तू शर्मिंदा होगी। एमा फ्रॉस्ट बोलती है कि हमें जेवियर को ढूंढना होगा। स्पाइडरमैन ये सब सुन के उस कमरे से बाहर चला जाता है। किटी बोलती है कि उसने कभी स्पाइडरमैन को ऐसे नहीं देखा। साइक्लॉप्स बोलता है कि तो सबका हो गया, अब तीन टीम बनेंगी, क्योंकि एमा और स्ट्रेंज के हमें छुपाने से भी उन्हें पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद हमें चार्ल्स को ढूंढना होगा और लायला को उसे होश में लाना होगा। तो क्लॉक तुम एमा और लायला के साथ रहना। इधर जेनोशा में डॉक्टर डूम का स्वागत हो रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा पे कंट्रोल पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे थे। डॉक्टर डूम के अलावा वहाँ स्टॉर्म भी थी, केन्या की क्वीन और नेमर भी। और ये था हाउस ऑफ मैग्नस यानी मैग्नीटो का घर, उसकी दोनों बेटियों और क्विक सिल्वर के साथ। जी हाँ, मैग्नीटो की दूसरी बेटी पोलारिस, जिसके पास मैग्नीटो जैसी ही पावर्स हैं। और जब वहाँ बड़े बड़े आयरन मैन रोबोट्स का अटैक होता है तो वो दोनों ही मिलकर उसे रोकते हैं। पर ये तो बस शुरुआत थी, और सारे हीरोज टूट पड़ते हैं उन सब पर घर में घुस के अटैक करने के लिए। कोई अपने आप से पीछे नहीं हट रहा था। आज तो स्पाइडरमैन भी किसी को मारने से रोक नहीं रहा था, चाहे वो खुद किसी की जान ना ले रहा हो। क्लॉक लायला और एमा फ्रॉस्ट को वहाँ टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ चार्ल्स जेवियर था। वो चार्ल्स जेवियर को वहाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन जो उन्हें मिलता है वो उसके लिए तैयार नहीं थे। एमा अपने घुटनों पर गिर के रोने लगती है। चार्ल्स जेवियर मर चुका था, वहाँ बस उसकी कब्र थी। पर क्लॉक अपनी पावर्स यूज करता है और बताता है कि कोई कॉफिन कोई बॉडी नहीं है यहाँ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और आज का एपिसोड यही खत्म होता है। अब कल का एपिसोड इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट का आखिरी एपिसोड होगा, जिसमें जो इवेंट होने वाला है उसने मार्वल को पलट के रख दिया था, तो वो तो मिस करना ही मत। और उसके बाद शुरू होगा इस कहानी का पार्ट टू, जो छोटा है, लेकिन कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो बस कहानी के साथ बने रहना, और मुझसे और अच्छी तरह से कनेक्ट होने के लिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मुझे फॉलो जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ इसके फोर्थ एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।